This movie encoded by Dread Holmes. सन 1914 विश्व युद्ध छिड़ चुका था। चारों तरफ तबाही का माहौल था। फ्रांस इस युद्ध में लगभग घुटने टेक चुका था। जर्मनी और जापान की निरंकुशता के खिलाफ चाइनीज सैनिक इस विश्व युद्ध में फ्रांस का साथ देते हुए बड़े ही साहस के साथ दुश्मनों का सामना कर रहे थे और चाइनीज कमांड की अगुवाई कर रहा था महान मार्शल आर्ट लड़ाका शेंगेन। आसमान से शोला बरसाते फाइटर प्लेन और जमीन पर दहाड़ती बंदूकों के बीच चाइनीज कमांड के सैनिक एक एक कर मरते जा रहे थे। लड़ाई तेज हो चुकी है, हमें सामने और सैनिक चाहिए। तुम सामने कवर अप करो, हमारे पास हथियार भी खत्म हो रहे हैं। जल्दी उठो, जल्दी उठो। हमारे पास कमान कमान मूव इट, हरी अप हरी अप, कमान कमान मूव इट मूव इट। जैक्सन, टोनी जैक्सन, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। हम वापस अपने घर जाएंगे, हम यहाँ मरने वाले नहीं। हिम्मत रखो और लड़ो, हम दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। ये लो, ये मेरा लकी चार्म है, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो दोस्तों, तुम लड़ने के लिए तैयार हो? तो चलो। जल्दी जल्दी, कमांडर हथियार आ गए। चलो जवाब दो, जल्दी इधर आओ। जल्दी निकलो यहां से, क्या कर रहे हो? कवर करो, इसे कवर करो, कवर करो। अरे ये फ्रेंच सैनिक भाग क्यों रहे हैं? शेंजन शेंजन, बचाओ मुझे, जल्दी जाओ शेंजन। जर्मन ने भी हमला कर दिया है, मुकाबला करो। जल्दी करो, जल्दी करो, ध्यान से बचाओ, इससे बड़े छोड़ेंगे आज। चलो आराम से मारो से। सब ठीक है ना? किसी को लगी तो नहीं? शेंजन, तुमने ये लकी चार्म देकर के मुझे बचा लिया, थैंक यू, शुक्रिया। अरे अरे रुक जाओ, अरे उधर मत जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? मैं घर जाऊंगा, जापानियों मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी रुक जा, शांत हो जा, कहां जा रहा है? रुक, मैं घर जाऊंगा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं मरना है, मैं नहीं मरना चाहता हूं। डरो मत, रुको। शेंजन अपने साथियों को मरता देख मजबूत इरादों के साथ अपनी अद्भुत स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए गोलियों से भी तेज रफ्तार से दुश्मनों पर टूट पड़ा, क्योंकि वो था
दुनिया का सबसे तेज धड़ाका। खत्म हो चुका था, पर दुनिया के कई देश गुलामी की जंजीरों में अब भी जकड़े हुए थे। जिस तरह भारत आजादी से पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक उसी तरह चीन भी टुकड़ों में बटा जापानियों और अंग्रेजों की गुलामी की त्रासदी झेल रहा था। और इन सब के बीच खड़ा था शेंजेन। शेंजेन का बस एक ही मकसद था, अपने देश को एकजुट कर इन जालिमों के चंगुल से उसे आजाद कराना। पर वो पहले से ही जापानी हुक्मरानों के निशाने पर था, क्योंकि वो अकेले ही सैकड़ों जापानी लड़ाकों को मार्शल आर्ट स्कूल में मौत के घाट उतार चुका था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, खुद की पहचान बदलकर दुश्मनों पर वार करना। उसके दिमाग में एक प्लान था, फ्रांस के युद्ध में खुद को मरा घोषित कर शहीद हो चुके टोनी जैक्सन के रूप में दुनिया के सामने आना। ये हैं शंघाई के बिजनेस टाइकून मिस्टर लियो कोटियन। हाय मिस्टर ली। हे जेंटलमैन, एंजॉय योरसेल्फ। आपका पब तो हिट हो गया। थैंक यू। बॉस देखिए, कस्टमर एकदम खचाखच भरे हैं। सचमुच पीपल आर क्रेजी हियर। कोई कहेगा कि हमारे देश में जंग का माहौल है, कमाल है ना? आखिर लोग यहाँ नहीं आएंगे तो शंघाई में और जगह ही कहाँ है जाने के लिए। ये ब्रदर कहते हैं कि इन्हें वॉर न्यूज मिली है कि जनरल जॉन जनरल जैक को हरा देंगे। खबर है कि जनरल जैक वॉर में पीछे हट चुके हैं। अगर जनरल जॉन जीते तो चाइना श्योर एकजुट हो जाएगा। अभी तक श्योर नहीं, क्योंकि ब्रिटिश और जापानी जनरल जैक के साथ मिले हैं और ये दोनों देश किसी भी हालत में चीन को एकजुट नहीं होने देंगे। मजाक कर रहे हो, ताइवानी हो क्या? तुम्हारे ताइवान को तो जापान ने अपनी जेब में रखा है। लड़ोगे? लड़ोगे तो मार दिए जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, बस इतिहास के पन्नों में रह जाओगे। ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ताइवान पर जापान कब्जा कर लेगा। अरे भाई, चाइना भी तो चीनियों के कंट्रोल में नहीं है। मुझे तो लगता है या ब्रिटिश जीतेंगे या जापानीज। हालात चाहे जो भी हो, मेरे क्लब में कस्टमर बढ़ेंगे, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। Thank you.
को बोल कि जापानी गाना गाए। ठीक है, ये जापानी गाना गाओ। उस अंग्रेज की तो सुलग गई। Come on, let's go. Okay. थैंक यू, चीयर्स। भगाई इसको, तोड़ रही है। वाओ, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। कौन है तू? ये धुन बजा के सब क्या करना चाहता है? गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। सब हमारे मेहमान हैं। और अच्छा गाया तुमने। चीयर्स। काम डाउन। अरे वॉन, इन्हें बैठाओ, सर्व करो। बैठ जाइए प्लीज। ओके, डोंट माइंड। ठीक है, ठीक है। क्या तुम फ्रांस से लौटे हो? बिल्कुल। आओ ड्रिंक लेते हैं। श्योर मिस्टर लियो। शुरू कराओ, आओ बैठते हैं वहां। अच्छा ये बताओ कि जोड़ा बड़ा होता है या तीन पत्ते? वैसे तुम्हारे पास क्या है? तीन पत्ते। मेरे पत्तों ने तुम्हारे पत्तों को मात दे दिया। हाँ। ये लो। क्या लो? मैं जीत गया। मैं जीत गया। हाँ तुम जीते। मैं जीत गया। लो चलो। मिस्टर जैक्सन, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो तुम। जीत के लिए तो हम जान की बाजी भी लगा रहे हैं। तुम्हारी जान की कीमत क्या है? तुम्हारी जान से तो कम नहीं है। क्या बोला रहे तू? तुम्हारी जान की बस यही कीमत है इन पत्तों जितनी? तो ये रही मेरी जान की कीमत। चलो देखते हैं। रुक जाओ, ये रहा तीन नहला। अब तुम्हारा खेल खत्म। ये रहा दो पत्तियों का जोड़ा। लेकिन ये पत्ते मेरे नहले को कैसे हरा सकते हैं? जब मैंने पहले पूछा था तो मुझे किसी ने जवाब ही नहीं दिया। सही कहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है। रूल सबने बनाए हैं, किसी के जीतने के बाद बदल जाना ठीक नहीं। दोस्त, अब तुम मुझे पैसा दोगे या अपनी जान? मुझे तो पैसों की जरूरत है, जान आप ले लीजिए। ठीक है, तो आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर। अब इसी बात पर जाम हो जाए। पिछले दो दिनों से बहुत पी लिया है, अब बिल्कुल भी नहीं। मुझे वापस होटल जाना है। होटल में क्यों रुकना? तुम हमारे लिए अनजान थोड़ी हो। वो रहा तुम्हारा कमरा, वैसे भी तुम अभी मेरे बिजनेस पार्टनर हो। ओके, थैंक यू मिस्टर लियो। तो तुम यही हो? आपने ये रूम मेरे लिए रखा था ना, क्योंकि यहाँ से सनराइज बहुत अच्छा दिखता है। अभी 3 बजे हैं, सुबह नहीं हुई। वैसे ये ब्रदर कॉमरेड टोनी जैक्सन और ये है चिकी।
अब तो आपकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा भाई बनने लगे हैं। खैर मुझे क्या करना है, मुझसे शादी कर लो, सब पता चल जाएगा। फिर आपकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उनका क्या होगा? वो तो एक रात वाली है, तुम्हारे साथ तो हर रात रंगीन। वैसे इस उम्र में भी बड़े दिल फेंक हैं आप। आप ड्रिंक लेंगे? फिर कभी, मैं वैसे ही काफी पी चुका हूँ, थैंक यू। इसने तो बहुत पी लिया, मुझे पिलाओ। तो फिर आप दोनों एंजॉय करिए, मैं चलती हूँ। वन तुम्हें नीचे मिलेगा, छोड़ देगा तुम्हें। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो काफी हॉट है, तुम इंटरेस्टेड हो? उड़ा लो उसे, तुम्हारी नियत ठीक नहीं लग रही। नियत तो आपकी ठीक नहीं लग रही मिस्टर ली। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू मिस्टर लियो। यू आर वेलकम। तो तुम लियो कोटियन से करीबियां बढ़ा रहे हो, अगर ऐसा है तो तुम गुप्त नहीं रह पाओगे, हमारा भेद खुल जाएगा और ये बहुत ही खतरनाक होगा। ये तो हमारे प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। वैसे लियो कोटिन से नजदीकियां हमारे लिए अच्छी बात तो है, पर वो तुम पे इतनी जल्दी भरोसा करेगा नहीं, तुम उसे सावधान रहना। क्या आप लोगों को लगता है ये लियो हमारे लिए कुछ कर पाएगा? अरे वो तो छापा मारो और गैंगस्टर से भी संबंध रखता है। लेकिन आखिरकार वो है तो चाइनीज। हम अभी इतना मजबूत नहीं है कि जापानियों से आमने सामने लड़ सके, हमें हर एक चाइनीज को इसके लिए तैयार करना होगा। लियो का यहाँ अच्छा प्रभाव है जो कि हमारे लिए बड़े काम की चीज है। किसी तरह हम और हमारे देश के गुप्त क्रांतिकारी आपस में मिल जाएं, तो हम दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं, हमारी ताकत दुश्मनों के मुकाबले बढ़ जाएगी। मैंने फ्रांस के सैनिकों से भी बात की है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। कॉलेज के भी तो दोस्त कमा सकते हैं। इस मुद्दे पर सारे देशवासी एक साथ हैं, पर हम एकजुट नहीं हो सकते, अभी के हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। होंगे, एक दिन हम जरूर एकजुट होंगे। मास्टर, आपके इस मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का मकसद क्या था? ताकि यहां के लड़ाके अपने और अपने देश की रक्षा कर सकें। शेंजेन, जैक्सन, आखिर हम जीत गए, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, अब हम सब वापस अपने देश जाएंगे और शेंजेन नहीं जाएगा, मानो वो फ्रांस की लड़ाई में मारा गया। अब मैं टोनी जैक्सन बनके अपने देश के लिए लड़ूंगा। जापानी फौज का सबसे खतरनाक जनरल और उससे भी खतरनाक मार्शल आर्ट लड़ाका जनरल चिकारा। मुझे पता चला है कि इंग्लैंड को हमारे सीक्रेट मूवमेंट के बारे में पता चल चुका है। तुम में से तीन लोगों को यह बात मालूम थी, कौन है वो? बस, मैं कभी यहां से बाहर नहीं जा। यहां पर गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। Yes! सिस्टर, बॉस आ गए।
ये किसका बर्थडे है? किसका? वैसे बर्थडे हो ना हो, आपने हम लोगों को एक स्पेशल ड्रिंक पार्टी दी, बहुत लेट्स स्टार्ट क्रिस। तेरे बॉस से लड़कियां बहुत चिटकती है। गुड़ होता है, चीटियां वही चिटकती है ना। ये जो बाइक, मेरी बात सुन, उसका नाम बॉबी है, मुझे अभी जाना है। ये जनरल जैक की महबूबा है, इस पर नजर रखना। वो आ गया है। क्यों, क्या वो लड़ाई में नहीं है? वापस आ गया है, पास ही के शहर में है, वही बुलाया है मुझे। तो क्या मैं तुम्हारे लिए कार मंगा दूं? नहीं, उसने मेरे लिए गाड़ी भेजी है। तो फिर एक मार के जाओ, इसके लिए शॉट बनाओ। अरे बॉबी के लिए एक ड्रिंक बनाओ। हे सेनोरिटा, मेरा ब्रांड है क्या? सॉरी जी की, सारा बिक गया है, मैं खरीद कर तुम्हारे लिए लाती हूँ। चलेगा। हेलो सर। पक्की खबर है। जनरल आपका इंतजार कर रहे हैं। बॉस, हमने नॉर्थ ईस्ट आर्मी के जनरल जॉन और जनरल जैक को लोकेट कर लिया है। हमारे आदमी रेडी हैं, आप ऑर्डर कीजिए। हेलो बॉबी, बहुत दिनों बाद हम मिले। हैव अ सीट प्लीज। बाहर काफी ठंड है, वैसे हॉट डिनर के साथ बातें करने में मजा आएगा। नॉर्थ ईस्ट आर्मी के जनरल जैक और ये हैं चाइनीज आर्मी के जनरल जॉन। तो जनरल जैक, तुम हमारे खिलाफ लड़ रहे हो, बताओ जीतेगा कौन? तुम जीतोगे। और अगर जैपनीज तुम्हारी मदद करे तो? अगर ऐसा होगा तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। हम सिर्फ जापानियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग दो मुंहे सांप हैं। वो तुम्हें कुछ भी करने का वक्त नहीं देंगे। यहां स्थिति बेहद नाजुक है, लोग यूरोप की तरफ पलायन कर रहे हैं। सच कहूं तो मैं तुम्हारी आर्मी से लड़ना नहीं चाहता, पर तुम और तुम्हारी आर्मी अपने देश चाइना की खिलाफत कर रही है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, तुम और तुम्हारे फादर जापानियों के हाथों की कठपुतली ना बने। मैं तुरंत लड़ाई रोक दूंगा। बोलो क्या चाहते हो? तुम्हारा मतलब मैं अपने फादर को धोखा दूं? मेरा मतलब है कि अपने देश को धोखा देना छोड़ दो। जनरल मुझे माफ करें, मुझे सारी चीजें मालूम नहीं, पर ये आप पर बहुत भरोसा करते हैं, क्या आप इन पर भरोसा नहीं करते जनरल? तुम अपने फादर से कहो कि वो जापानियों के हाथों की कठपुतली ना बने, तो ही हम आगे कुछ बात करेंगे। समझे तुम? लो, हमें एकजुट होकर अपने देश को आजाद कराना है, और ये तुम्हारे बिना संभव नहीं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि इस बात के लिए मैं अपने फादर को कन्विंस कर सकूं। मुझे थोड़ा टाइम दो। ठीक है, 7 दिन दिया। अगर हमारी बातें तुम्हारे फादर को मंजूर है तो ठीक है, वरना दोबारा जब हम मिलेंगे तो वो जंग का मैदान होगा। जो भी हो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। चीयर्स।
क्या सोच रहे हैं। ये सुपर हीरो बीच में कहां से आ गया। एक दो तीन चार पांच छह। ठोकेगा क्या ये सिरफिरा? आखिर ये है कौन? हे, जाके देखो तो। कौन? मैं? तो और कौन जाएगा? चलो निकम्मा कहेगा। चलो। अरे क्या कर रहे हो? चलो। ओहो, इधर मेरे आ गया। लगता है मुझे मरवाएगा। अरे आगे से हटो भी। कान के नीचे दू क्या डरपोक कहीं के? जाओ देखो कोई जिंदा तो नहीं है। जाओ ना, तुम उधर जाओ। वे हट, मुड़ देखिए वाला। कौन हो तुम? ना पूछो तो बेहतर है। तुमने मुझे बचाया क्यों? धोखेबाजों को बचाना तो नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारे फादर जापानियों का साथ देना छोड़ दो, वरना एक दिन गद्दारों की मौत मरोगे। कहीं जॉन ने तो इसे नहीं भेजा था? नहीं, वो इस तरह का आदमी तो नहीं है। तो किसे पता था कि तुम वापस आ गए? बॉस, जनरल जैक के फादर और उसकी आर्मी तो हमें सपोर्ट कर रही है, फिर आप उसे मरना क्यों चाहते हैं? मुझे जैक को सपोर्ट करने का कोई फायदा नजर नहीं आता। पर टोकियो से ऑर्डर था कि। ऑर्डर इतना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मैं क्या चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि चाइना में अंदरूनी कलह हो, और जैक की मौत से सब समझते कि जनरल जॉन ने उसे मरवाया है, इसी का फायदा उठाकर चाइना को गुलाम बनाता। ये सब मेरी गलती है, उम्मीद नहीं थी कि कोई सुपर हीरो आ जाएगा। इसे हल्के में मत लो, सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो सुपर हीरो है कौन।
जल्दी पता करो, वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। पहली बार एक सुपर हीरो जापानियों को टक्कर देने सामने आया है और ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। अब हमें लोगों को मोटिवेट कर यूनाइट करना होगा और उसकी मदद करनी होगी। आज की ताज़ा खबर, एक सुपर हीरो ने जापान के छक्के छुड़ा दिए। अरे तुम दिन भर काले कपड़े मत पहना करो, लोग तुम्हें सुपर हीरो समझ लेंगे। तुमने भी तो काला पहना है। कोई बता सकता है ये सुपर हीरो है कौन? मैं जानता हूँ कौन है। बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, है ना? वो इसी पागल खाने का एक मामूली सरफिरा है, वो यहाँ भी हो सकता है। तुम्हें इतना भरोसा कैसे? हर कोई जानता है मैं भी आखिर इस पागल खाने का मालिक हूँ। फिर तो उससे बच के रहो, उसके बीच में मत आना। अगर मैं बीच में नहीं आया तो बाकियों की देखभाल कौन करेगा? हाँ ये बात भी है। कल रात ये शूट आउट हुआ कैसे बेवकूफ चिंगू? ये न्यूज में क्या छपा है? आप इन अखबार वालों पे भरोसा कर रहे हैं? सब झूठ छपा इसमें। आपको पता है क्या हुआ था? जनरल जैक वहाँ आए थे, हम समझ गए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर उसी वक्त हम स्पॉट पर पहुँचे। हमने वहाँ पर देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। पहले कितने लोग मरे? तुम्हें याद है कितनी लाशें थी? वैसे सर गिनने का टाइम किसके पास था? चारों तरफ गोलियां चल रही थी। अरे सर हम बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल ऐसे कार के पीछे बिल्कुल इसी तरह लगे गोलियां दाग में। धाएं 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 धाएं, सही कह रहा है सर, ये सही बोला ना सर, ये दाएं मैं बाएं और दे रहे थे धाएं धाएं, तीन चार गिर गए, गोलियां खत्म, हम क्या करते हैं? तुम रुको मैं बताता हूँ। मैं कार के बाहर था, मैंने गोलियों की परवाह नहीं की और उन सबके बीच में जाकर कूद पड़ा। तुझे लगता है मैं गधा हूँ? बेवकूफ बना रहा है मुझे? ये सुपर हीरो कौन है? मेरी बात सुनिए, एकदम सिंपल सी बात है। मैंने उस रात एनकाउंटर में अपना हेड नीचे कर लिया था जिससे मुझे कोई पहचाने नहीं। अब न्यूज वालों ने मुझे कोई सुपर हीरो समझ लिया और छाप दिया, तो मैं क्या करूं? तो तुम हो वो सुपर हीरो पहाड़ी बंदर? तुम मास्क पहन भी लो तो लोग सोचेंगे कोई सुअर पोटी ढूंढ रहा है। बेवकूफ चिंगू। मैं चिंगू नहीं चाइनीज हूँ सर। तुम जो भी हो बेवकूफ चिंगू। ओ हाँ, आपका इस महीने का हिस्सा। अच्छा है, फिर तो मैं आज किसी फाइव स्टार होटल में जम के पार्टी करूंगा। हाँ हाँ ठीक है ले जाइए, जब तक हम लोग यहाँ हैं हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई उड़ाते रहिए। सेक्सी गर्ल, क्या देख रहे हो? पसंद है तो खरीद देता हूँ। मालूम है कल यहाँ मास्क वाला पुतला था और आज इस तरह सेक्सी लड़की। मजाक नहीं, मेरे पास गन है, ये देखो। गन? तो फिर कल रात मौके पर जल्दी क्यों नहीं आए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा कांड होगा। तुम्हारे कहने के मुताबिक ही किया मैंने, लेकिन मारे गए जापानियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वंडरफुल, तो फिर इस हमले के पीछे कौन था? अब मुझे क्या पता, ये बात डेड बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन से थोड़ी पता चलेगी। जनरल जैक तो वापस चला गया, ये बॉबी कहाँ है? उसके बारे में तो जनरल ही ठीक ठीक जानता होगा। खबर है कि वो ग्रैंड होटल में है। सुनो पैसे निकालो, माल है तो ताल है। इस बार तुमने बहुत मुश्किल में फंसा दिया था, आइंदा ऐसा मत करना। कासाब्लांका में किसी पर शक है? मिस्टर लियो ने रिसेंटली एक आदमी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है। मैंने उसे पहली बार ही देखा तो मुझे उस पर शक हुआ। कौन है वो? उसका नाम है टोनी जैक्सन। अभी कुछ ही दिनों पहले वो फ्रांस की लड़ाई से वापस आया है। मुझे समझ में नहीं आता कि मिस्टर लियो ने उसे इतनी जल्दी अपना पार्टनर आखिर बना कैसे लिया। और तुम कैप्टन? वैसे मेरा मिशन है हेनरी और ब्रिटिश लोगों की खुफिया जानकारी लेना। कासाब्लांका में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं पर मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। आज के बाद से मैं उस पर नजर रखूंगी। आई एम सॉरी जनरल। ओह!
नेक्स्ट टाइम सही और पूरी खबर चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर है कि खुद पर नजर रखो। आई एम सॉरी चीफ, मुझे माफ कर दीजिए। बॉबी, बॉबी, मुझे लगा हम सब फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। बॉबी, ये तुम्हारे लिए। ये मेरी तरफ से, यहाँ का स्पेशल परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक। और ये मेरी तरफ से। थैंक यू फ्रेंड्स। अरे हाँ, मैं भी कुछ लाई हूँ। हाँ, बहुत अच्छी है। एक मैं पहनती हूँ, एक तुम पहन लो। लेकिन लेकिन ये तो तुम्हारी मॉम का है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। चलो, देर हो जाएगी। क्लब में चल क्या रहा? कुछ तो गड़बड़ है, नजर रखनी पड़ेगी। एक पैकेट देना। ठीक है, ठीक है। हेलो मिस्टर जेंसन, नाइस टू मीट यू। हे, आर यू गाइस एंजॉयिंग? चीयर्स। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू सर? इट्स फाइन, थैंक यू। एंजॉय। तुमने यहाँ गड़बड़ की कैसे? सर, मैंने कुछ नहीं किया। चिकी, ये लो। एक्सक्यूज मी। चीयर्स। चीयर्स। मिस्टर लियो, वो ग्लास हाथ में लिए वो आदमी कौन है? हाँ हाँ, वो हेनरी, इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। उसकी वहाँ की सरकार में ऊंची पहुँच है, कोई भी खबर उसे बहुत जल्दी मिलती है। आपसे भी जल्दी? इंग्लैंड के बारे में तुम उससे भी जल्दी। मैं आ गई। रिटर्न हो। तुम तो अभी आई हो, माहौल तो पहले से ही गर्म है। मुझे आज छुट्टी चाहिए। छुट्टी? मगर किस लिए? क्योंकि मैं इनके साथ मजे करना चाहती हूँ। बुरा तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं। तो चलते हैं। चिकी, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। क्यों, मुझे ले जाने की हिम्मत नहीं है? वाओ, वुहू। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। एक मिनट। अरे कौन है भाई? एक ड्रिंक मिलेगा? ओ, तुम? अरे क्यों नहीं मिलेगा? अरे दोस्तों, देखो कौन आया है। अरे बॉस, आप आइए आइए। चलो, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये चिकी है। हाय तो बोलो दोस्तों। हाय चिकी। मैं जॉनसन। मैं जेम्स। हाय। लेशली। डेविड। मैं पीटर। और मेरा नाम पुपू है। बॉस, ये लड़की कौन है? आपकी वाइफ? गर्लफ्रेंड हूँ। चलो ड्रिंक बनाओ, बॉस के लिए भी ड्रिंक बनाओ। चिकी, तुम हमारा स्पेशल वाइन पसंद करोगी? हाँ जरूर। एक्सलेंट, बनाओ बनाओ। मिस चिकी, अपने बारे में कुछ बताओ, सब जानना चाहते हैं। तुम करती क्या हो? मैं कासाब्लांका नाइट क्लब में शो गर्ल हूँ। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। शंघाई में तो नाचने वालों की बहुत इज्जत है। काश मैं भी नाचता। बहुत मजा आता। Hey, come on, let's start. Yes, yes, yes. बॉस, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आज आप हम लोगों के साथ हैं। वैसे पहला पैक तो मैं ही मारूंगा, लेकिन पहले लड़ाई में मारे गए अपने भाइयों को श्रद्धांजलि देंगे। तो दोस्तों, ये जाम लड़ाई में मारे गए हमारे भाइयों और कॉमरेड शेंजेन के नाम।
तो दोस्तों अब हम पिछली बातों को याद नहीं करेंगे। Let's enjoy. Have a drink now. अरे रुको रुको रुको, तुम्हारा ग्लास खाली है। जेनी? थैंक यू। चिकी? ओह। मेरी बहन। तुम्हारी बहन? सच में? क्योंकि ये तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं दिखती। सही कह रही हो। मैं इससे सुंदर दिखता हूँ। वैसे तुमने शेंसेन के बारे में कहा, वही ना जिसने जापानी मार्शल आर्ट टीचर को हराया था? हाँ। वो मैंने तो सुना था कि वो जापानियों के हाथों मारा गया। वो बच गया था, वो सिर्फ एक अफवाह थी। वो जापानियों के हाथों मारा नहीं गया था, वो 3 साल तक फ्रांस की लड़ाई में हमारे साथ था और हमें बचाते हुए शहीद हो गया। वो हमारा भाई था, हम सबका भाई था, है ना? सही बात है, मेरी आंखें छोटी जरूर है पर नजर गिद्ध की है। अरे शेंजेन क्या फाड़ू आदमी था सच में। हाँ, वो दुश्मन की गोलियों से भी तेज था। चीयर्स। मिस चिकी, हाय, ये तुम्हारे लिए। वाओ, थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ सब कितने अच्छे हैं ना? वेरी काइंड हार्टेड, कोई धोखा देने वाला नहीं। इस तरह जीना कितना अच्छा है ना? काश मैं भी इतनी खुश नसीब होती। हाँ। बोलो टाइगर की अंडा, टाइगर की अंडा, नहीं अंडा। तुम हार गए। मैंने तुम्हें जीतने दिया। चलो तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। Thank you. कौन हो तुम? मैं 3 तक गिनूंगी, नहीं बताया तो शूट कर दूंगी। 1, 2 तुमने बहुत पी लिए, बहुत ज्यादा। मैं चलती हूँ। तुम गन हमेशा साथ रखती हो? शंघाई लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, मिस्टर लियो ने ये मुझे अपनी रक्षा के लिए दिया है। तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ की क्या जरूरत है, फोटो रख लो। तो ये आज के लिए मेरा इनाम है। थैंक यू। तुम कौन हो बताओगी? तुम्हारा असली नाम क्या है? जैकलीन, मिस जैकलीन।
नॉर्थ ईस्ट के मैप को जल्दी कंप्लीट करो, दो दिनों के अंदर टोक्यो भेजना है। आर्टिफैक्ट्स के बारे में क्या कुछ पता चला? चाइना के आर्टिफैक्ट्स का मैप ये रहा, और यहाँ बहुत सारी कीमती चीजें हैं। जो चीजें हमारी काम की है रख लो, बाकी सब खत्म कर दो। ये जगह नेचुरल रिसोर्सेज से भरी है, पर अब ये चाइना के किसी काम की नहीं, क्योंकि चाइना अब हमारे हाथों में होगा। बॉस, हेडक्वार्टर से लिस्ट आई है, देखिए। ये तो बहुत सारे हैं। वो चाहते हैं कि हम इन सब को मार दें, पर ये इतना आसान नहीं होगा जब तक कि हम सही प्लानिंग नहीं करते। लिस्ट में दिए हुए सारे लोगों को मारना जरूरी नहीं, और ये होगा भी नहीं। जरूरत है इस लिस्ट को लीक करने की। ठीक है। ये उन क्रांतिकारियों की लिस्ट है जो जापान का विरोध कर रहे हैं, और ये जापानियों के निशाने पर हैं। ये किसी भी हालत में लीक नहीं होनी चाहिए। अगर ये लिस्ट लीक हुई तो जापान बहुत पैनिक क्रिएट करेगा, तबाही मचाएगा, और दूसरे देश हमारे कोई मदद नहीं करने वाले। भला कोई हमारी मदद करेगा भी क्यों? सब नजरें गड़ाए हमारी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लड़ाई हमें जीतनी होगी। अगर हम लोग जापान के सामने सर झुका देंगे तो वो रहम नहीं करेंगे, हमें खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। हमें इन क्रांतिकारियों को हर हाल में बचाना होगा। पढ़िए पढ़िए, आज की ताजा खबर। हमारी शंघाई रेडियो से खास खबर, जापान ने लगभग 100 उन क्रांतिकारियों के नाम की लिस्ट निकाली है जो उनके खिलाफ खुलेआम आवाज उठा रहे हैं, और वो अब जापान की डेथ लिस्ट में हैं। उनके नाम हैं जैक टेलर, जॉन हेनकिन, डेरेन डाविंची, बेब वेल्डर, पॉल विल्मर, बॉब कार्लोस इत्यादि। देखो इस लिस्ट को, पुलिस क्या कर रही है, इसके बारे में क्या प्लान है पुलिस का, बताओ। एक्चुअली मैंने इस मामले में अपने सीनियर्स के साथ आज सुबह ही मीटिंग की थी। हमारे डिपार्टमेंट की नजर इस मामले पर है, और शंघाई पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे क्या लॉलीपॉप चुसा रहे हो? मैं जानता हूँ तुम लोग क्या कर सकते हो। सीनियर से बात करके कोई फायदा नहीं है, सब फालतू है। मैं यहाँ बिजनेस चलाता हूँ, और ये जो लिस्ट है ये हमारे क्लब के लिए डेथ सर्टिफिकेट है। सारे कस्टमर डरे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ और हमारे कस्टमर चले गए, मैं बैठ के यहाँ घंटा बजाऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम पुलिस वाले क्या करोगे इसके लिए। तुम लोगों का काम इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, और जिसने ये लिस्ट निकाली है उन्हें पकड़ना। पुलिस पब्लिक की सर्वेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना पुलिस का काम है। क्या सब कुछ सुपर हीरो के भरोसे छोड़ के सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, या लोगों की सुरक्षा के बारे में भी कुछ सोचोगे? सुना तुमने, मुझे बस यही कहना था। वैसे ये है हमारे नए बिजनेस पार्टनर मिस्टर जैक्सन, और ये इंस्पेक्टर बॉन। नाइस टू सी यू इंस्पेक्टर। सेम हियर मिस्टर जैक्सन। थैंक यू बॉस। जापानी आए हुए, लगता है कोई प्रॉब्लम है। अरे तितलियां रुक जाओ, कहां भाग रही हो? कहाँ चले? रुको। तो ये यहाँ भी आ गए हैं बॉस, वहाँ। अरे लड़कियाँ भाग क्यों गई? इधर आ। अरे कमांडर, बहुत दिनों बाद, ये लीजिए। लड़कियाँ कहाँ हैं? वो मुझे यहाँ चाहिए, जल्दी बुला। बुला उन्हें। बुलाता हूँ। शट अप, बुलाओ लड़कियों को। हाँ बुलाता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। बस बुलाता हूँ। सिर्फ देखो मत, बोलो यहाँ से भाग जाए। मैं उन्हें बुलाता हूँ। बुलाओ उन्हें, बुलाओ। देखता हूँ। बोलता क्यों नहीं है? ये आ गई। जानेमान, या मेरे पास बैठो जानेमान। इधर आओ। एक काम करो, इनसे कहो कि आज कोई भी लड़की इन जापानियों के साथ नहीं बैठना चाहती है। लेकिन ऐसा कहूँगा तो मुझे मार डालेंगे। बोलो बोलो इन्हें। ये कहती है कि लड़कियां जापानियों के साथ नहीं बैठेगी। क्या बोल रहे तू? रुके, मैं इनसे समझाता हूं। एक मिनट, मैं आ गया हूँ, मैं देखता हूँ। तुम जाओ। हाँ। जाओ जाओ। चलो चलो यहाँ से। लड़की जापानी के पास नहीं जाए। आई एम रियली सॉरी जनरल, आई एम टोनी जैक्सन। आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। टोनी जैक्सन, मास्टर लियो का बिजनेस पार्टनर। अच्छा तो आप मेरे बारे में जानते हैं। सिगरेट पियेंगे? मुझे ये फोटो मिला है, और इस तस्वीर में जो आदमी है उसका नाम भी टोनी जैक्सन है।
हाँ, ये तो मेरी बहुत पुरानी तस्वीर है जो कहीं खो गई थी। थैंक यू वेरी मच। इसकी जरूरत नहीं है, फोटो तो मिल गया, बस ये पता करना बाकी है कि कौन असली जैक्सन है और कौन नकली। थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या तुम इस सुपर हीरो के बारे में कुछ जानते हो? अच्छा, वो सुपर हीरो वाली फिल्म देखी तो नहीं है, पर उसके बारे में बहुत सुना है कि वो फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म है और एक्शन पैक्ड है। आपने देखी? तुम्हें लगता है लिस्ट में जिनके नाम है सुपर हीरो उन्हें बचा पाएगा? आपका मतलब वो असली वाले सुपर हीरो से? सोचना पड़ेगा। हाँ चलो एक शर्त लगाते हैं, मारने वाला बड़ा है या बचाने वाला वो मास्ट वॉरियर सुपर हीरो। मंजूर है? और दाव पर क्या होगा? $1। जनरल, यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। क्या खेल रहे हैं आप लोग? आप मेरे पार्टनर से मिले, अच्छा आदमी है। जेंटलमैन जेंटलमैन। मिस्टर लियो, ऐसी क्या मजबूरी थी इस आदमी को बिजनेस पार्टनर बनाने की? हमें भी बना सकते थे आप। ये छोटा सा बिजनेस आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है? बिल्कुल रखता है। आप तो दूसरा कैसीनो खोल सकते हैं, इससे भी शानदार। कॉम्पिटिटर से डर नहीं लगता? अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो हम अपना बंद कर देंगे। जनरल, जापानियों ने क्रांतिकारियों की लिस्ट निकाली है, इस पर आपको क्या कहना है बताइए। वो लिस्ट नकली है, इसके पीछे कोई है जो हमें बदनाम करना चाहता है। सर, जापानी सेना तैयार बैठी है, क्या आप लोग चाइना पे हमला करने वाले? मेरी और मिस्टर लियो की दोस्ती इस बात का सबूत है कि चाइनीज और जापानी बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मिस्टर लियो, फिर मिलते हैं। उम्मीद करता हूं दोबारा ना मिले। सर, मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज जवाब देके जाइए। सर, रास्ता मिस्टर चिकारा, आप कुछ भूल रहे हैं। ये मेरा ही है। थैंक यू। कभी मेरे मार्शल आर्ट स्कूल में आओ। जरूर, जल्द आऊंगा। बॉस, वो लोग गए, अब सब ठीक है। क्या ठीक है? उसका वश चलता तो मुझे मार डालता। एक मेरे लिए। शहर छोड़कर भाग जाओ। हाँ, शुक्रिया सुपर हीरो। जैकलीन, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ? ऐसा क्यों? भूल गई, तुमने जापानियों को अपसेट कर दिया है। यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने जापानियों के नाक में दम कर रखा है, तुम कितनों को बचाओगे? हाँ, कोशिश करूंगा जितनों की कर सकूं। सावधान। कोई
डोनाल्ड, सबको कहो स्टूडेंट्स को मूवमेंट में जोड़े, तुम सब मिलकर उन्हें तैयार करो। ओके। सबका नारा देश हमारा, दुश्मन भागो देश हमारा, सेव द कंट्री। सबका नारा देश हमारा, दुश्मन भागो देश हमारा, सेव द कंट्री। ये हमारा देश है, हम इसे छोड़कर क्यों जाएंगे? सर, हम आपको जिंदा देखना चाहते हैं। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम आपको वापस बुला लेंगे। अरे क्या कर रहे हो, मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे पास गन है। तुम कर क्या रहे हो, लोगों को बचा क्यों नहीं रहे हो? वो एक एक करके सबको मारे जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिस्ट वाले लोग चले जाएं, लेकिन नहीं जा रहे, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? डरा कर निकालो यहाँ से, लेकिन वो मरने नहीं चाहिए। पर हमने क्या गलती की है? चलो 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 निकलो यहाँ से, मैंने कह दिया यहाँ से निकलो, चलो चलो निकलो यहाँ से। तुम लोग तानाशाही कर रहे हो, सीधी तरह चले जाओ, नहीं तो मेरे पास गन है, समझे? चलो। जनरल सर, जब से लिस्ट लीक हुआ है सारे दुश्मन अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन हमारी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। डोंट मूव, हिलो मत। ये लीजिए, लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। अरे क्या कर रहे हो? सुनिए, ब्रिटिश, अमेरिकी, जर्मन, हम सबको यूनाइट होना होगा। हमें जापानियों को यह बताना होगा कि शंघाई उनके बाप की नहीं। जापानियों फाड़ में जाओ, मरोगे तुम सब, शंघाई का सपना छोड़ दो। वो कितने बहादुर हो तुम। कभी शंघाई छोड़ने के बारे में सोचा है? मैं तो छोड़ चुका था, दोबारा लौट के आया। अब मेरे साथ भाग चलो, कहीं दूर चलते हैं। पर कहाँ? कहीं भी चलेगा। जब देश आजाद हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगा। अभी तो मुझे बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी है। इस दुनिया में तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उन सबको सॉल्व कर सकोगे? अगर सब भाग जाएंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा? और ये सिर्फ देश नहीं है, ये हमारा घर है। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मरना तो एक दिन है ही, पर देश के लिए मरने का मजा ही कुछ और है ना? अपने सारे जंगी जहाज कब तक पहुंच रहे हैं इस बात का जल्दी पता लगाओ। मैं सारे पोर्ट पर अपने जंगी जहाज तैनात करना चाहता हूं, क्योंकि वक्त आ गया है अपनी ताकत दिखाने का। भले ही संख्या में चीनी हमसे ज्यादा हो, पर हम उनको मसल कर रख देंगे। यस! यस! चलो एक शर्त लगाते हैं।
तू हमारे खिलाफ लिखेगा ना? लिख 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 कैसे लिखेगा? बॉस, शंघाई टाइम्स का उपसंपादक मारा गया, कोई नहीं बचा, कोई नहीं। बॉस, असिस्टेंट एडिटर ली शान भी मारा गया। आपका छोटा भाई मारा गया। जिसने मुझे ये धुन सिखाई वो फ्रांस में मारा गया। देश के लिए जान दे गया। कुछ नहीं बदला, आज भी लोग मारे जा रहे हैं। जा
जापानी फौज ने नॉर्थ ईस्ट पहुंचकर जनरल जॉन की सेना पर हमला कर दिया है। जनरल जॉन पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं, उनके हथियार भी बर्बाद कर दिए गए हैं। हमें जापान को जवाब देना होगा। क्या हम सब तैयार हैं? साथ आओ। अब हमें एक साथ मिलकर दुश्मनों को जवाब देना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें और हथियार चाहिए। अरे इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो, एकजुट होने के साथ ही दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें और हथियार चाहिए। निहत्ते हम दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे हालात में हम कभी नहीं जीत पाएंगे। तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, इस बार हमला हम करेंगे। ये लो जी की तुम्हारी वाली। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हाँ, एक चम्मच, दो चम्मच, बिना क्रीम के ना। तुम कासाब्लांका क्लब में क्या करती हो? मैं एक शोगर्ल हूँ और मेरा काम है नाचना। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं नाचती हूँ? तुम सिगरेट नहीं पीती, फिर खरीदती किस लिए? मैं समझी नहीं तुम क्या कह रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जापानियों के लिए काम करती हो।
चिकी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चिकी को यहाँ क्यों लाए हो? मैं जैक की गर्लफ्रेंड हूँ। आप लोग जो चाहते हैं मैं उनसे बात करूंगी वो करेंगे, लेकिन चिकी को छोड़ दो प्लीज। आप लोग जो कहेंगे मैं करूंगी। चिकी तुम डरना मत, ये चाहते हैं कि ये जैसा कहे जनरल वैसा करे, समझे? तुम जानती हो इसे? नहीं, तुम धोखा खा गई। इसका नाम चिकी नहीं, ये कैप्टन एंजेला है और ये जापानी है। आप चाहते क्या है? सुने लेटा, और तुम बता दो कि तुम दोनों हमारी आर्मी के काबिल जासूस हो। इसे कुछ मत कीजिए, ये जनरल की गर्लफ्रेंड है, हम इसे बंधक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ब्लैकमेल करने का अच्छा तरीका है। मैं बंधक नहीं बनाता, और इतना कमजोर भी नहीं कि औरतों का इस्तेमाल कर किसी को ब्लैकमेल करूं। क्यों? मैं यहां कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता हूं। जनरल जॉन और जनरल जैक, इनका आपसी मतभेद है। जैक समझेगा कि उसकी महबूबा को जॉन ने मरवाया है, मगर इसे मारोगी तुम। मुबारक हो कैप्टन, कमाल कर दिया तुमने। हेडक्वार्टर को तुम्हारे इस कामयाबी के बारे में रिपोर्ट देता हूं। तुम्हारी तरक्की निश्चित है। रुकिए, कहाँ जाएंगे आप? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जेम्स वॉर्न। किसे मिलना है? देखो, जनरल के साथ मेरी एक मीटिंग है, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। ये मेरी वाइफ है। सुनो, शेंजेन की गैर मौजूदगी में मैं ही इंचार्ज हूँ। हमारा प्लान तीन चीजों पर निर्भर है। पहला टाइमिंग, जहाँ से हम अलग अलग जाएंगे सबको एक साथ एक ही समय पर वहाँ आना होगा। दूसरा भी टाइमिंग, अगर एक सेकंड भी देर हुई तो समझो सब मरे। तीसरा भी टाइमिंग का ही गेम है। इसे मुझे क्यों दे रही हो तुम? हमारे साथ चलो। मैं पुलिस वाला हूँ, यही नजर रखूंगा। डरपोक। अरे लेकिन सुनो, मेरी बात सुनो। पकड़ो। क्यों मार रहे हो उसे? क्योंकि ये भी हमारा दुश्मन। सारे चाइनीज हमारे दुश्मन हैं। क्या तुम सबको लाकर टॉर्चर करते रहोगे? इससे कुछ अंदरूनी खबर मिलेगी नहीं, कुछ बकस देगी नहीं। नहीं बॉस। शेंजेन, हम तुम्हें पहचान चुके हैं,
तुमने सेना ज्वाइन करने से पहले एक मार्शल आर्ट टीचर को मारा था, जानते हो कौन था? वो आदमी मेरा बाप था। वो हमारे मार्शल आर्ट को तुच्छर में बीमारी मानता था, हमें खत्म करना चाहता था। सर, हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। हम चाइनीज खुद बीमारी नहीं है। छोड़ दो इसे, मैं तुझसे मार्शल आर्ट के अखाड़े में लड़ूंगा। अपने बाप की मौत का बदला तुझे मार कर लूंगा। जापान में आ गए, चलो निकलो जल्दी। This movie encoded by Dread Holmes. आओ सब लोग जल्दी आओ, आ जाओ आओ। जापानी पीछे आ रहे हैं, बम कहाँ रख दिया तुमने? गेट बंद कर दो, मेन गेट बंद कर दो। चलो चलो चलो। शिनज़ेन, अब तुम्हारा खेल खत्म। अरे ये तो टोनी सर है, अरे जल्दी आओ, उठाओ इन्हें, मदद करो कोई जल्दी। खत्म कर दो सबको। चुप, तुझे तो बिल्कुल नहीं मारेंगे। एक तो शेंजन की बहन, ऊपर से हसीन और जवान। चल अंदर, चल चल। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, चलो पीछे हटो, निकलो यहां से। शेंजन हमारे
रेडियो से खास खबर, चाइनीज आर्मी के जनरल जॉन पर जापान का हमला हुआ है और जनरल की फौज पीछे हट चुकी है। खबरों के मुताबिक 30,000 सैनिक मारे गए हैं और घायलों का अब तक कोई अनुमान नहीं है। तुमने बहुत नींद पूरी कर ली शेंजिन, बहुत अच्छे, क्या बात है। बाहर दुश्मन हम लोगों को मार रहे हैं, तुम्हें क्या? शेंजिन, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगा? अगर हाँ तो गलत है, तुम्हें उठना होगा। अगर तुम्हारा नाम सच में शेंजिन है तो तुम्हें आंखें खोलनी होगी, उठना होगा। उठो शेंजिन, ये सोने का समय नहीं है। बाहर दुश्मन हमारे लोगों को मार रहे हैं। दुश्मन भागो, देश हमारा। दुश्मन भागो, देश हमारा। दुश्मन भागो, देश हमारा। सबका नारा, देश हमारा। सबका नारा, देश हमारा। दुश्मन भागो, देश हमारा। दुश्मन भागो, देश हमारा। दुश्मन भागो। रुको रुको रुको, चिल्लाना बंद करो, नारेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। देश हमारा। सब लोग अपने घर जाओ, आगे जापान की सीमा है, अगर क्रॉस किए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे, पुलिस वाले निकम्मे हैं। अरे तुम हमारे लिए करते भी क्या हो, दुश्मनों के हाथों बिक चुके हो। देखो, अरे तुम सब रिश्वतखोर हो। क्या बोल रहा है तू, जरा फिर से बोलना तो। रुक जाओ, रुक जाओ, लड़ना बंद करो। फायर किसने किया? रुक जाओ, दंगा बंद करो, मेरी बात मानो। रुक जाओ, रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये गोलियां ताकते रहे और तुम देखते रहे, और अब चाह रहे हो कि मैं इन्हें यूं ही छोड़ दूं? अरे ये सभी स्टूडेंट्स हैं, इनके पास गन कहां से आएंगे? फायर करने वाला चाहता था कि दंगा फसाद हो। अब इन्हें सजा तो जरूर मिलेगी, अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं तो जापानी हमें नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जापानीज कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन है, जानते नहीं आप? एकदम गधा का गधा ही है ये। तुझे नौकरी प्यारी नहीं है तो निकल जा, गेट लॉस्ट। तुम यहाँ चाइना में हो, हाँ? यहाँ से जाना तो तुम्हें चाहिए, और मुझे जाने के लिए कह रहा है? बहुत दिनों से बर्दाश्त कर लिया, अब मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। सुअर की तरह है तू, बहुत उंगलियां दिखाई है तूने, अब और दिखाई ना तो उंगलियां तोड़ दूंगा। रिश्वत खोर, अब तेरी करतूत तेरे सीनियर्स को बताता हूँ मैं कि तू हमसे कितना रिश्वत खाता है। हाँ, हमारे पैसों से ही ये सूट बूट पहनकर हम पर रोब झाड़ना चाहता है, क्यों? जो तूने मुझे कहा था वही बात मैं तुझसे कहता हूँ, जस्ट गेट लॉस्ट। अब क्या हुआ, बोलती बंद हो गई ना? हाँ, हवा निकल गई, अंग्रेजी में समझाना पड़ेगा क्या? बोलना, यू यू आर अ बुलशिट। ऐसे शिट हो तुम लोग जिसकी बदबू से हमारा पूरा देश बदबू कर रहा है। तुम जैपनीज के लिए बस दो शब्द, गेट लॉस्ट। इन्हें छोड़ रहा हूं मैं, तुम्हारी मर्जी। होश आ गया, होश आ गया, होश आ गया इसे, शेंजिन ठीक हो गया। भैया, भैया, डॉक्टर जरा देखो ना। डलहौजी, जेम्स आए, स्पाईमैन, सबको एक एक करके लटका कर मार दिया गया, और ऐसा जापानियों ने खुलेआम किया ताकि लोगों में दहशत हो। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा कि तुम्हारी बहन के साथ भैया, मैं ठीक हूँ भैया, आप उन जापानियों को छोड़ना मत, मत छोड़ना भैया, उन्हें छोड़ना मत। ताजा खबर, देश के लिए बुरी खबर, जनरल जो लड़ाई में
जापानी और जनरल जैक ने मिलकर जनरल जॉन को हरा दिया। जॉन और उनकी वाइफ मारे गए। मरने वालों की लिस्ट में से ज्यादातर तो मारे गए, जो बचे भाग गए। हम हार गए हैं कॉमरेड, अपने देश को नहीं बचा सके। अब सब भूल जाओ। अरे ये तो चिक्की है, वर्दी में कैसे? हाँ ये क्या चक्कर है? तुम कुछ दिन काम पर नहीं आई, रीजन अब पता चला। वर्दी में काफी अच्छी लग रही हो चिक्की। मैं कैप्टन एंजेला हूँ, जापानी आर्मी की अंडरकवर। हेलो मिस कैप्टन, मेरी क्रिसमस। मैं जापानी आर्मी की तरफ से यहाँ आई हूँ, मुझे किसी की तलाश है। कैन यू हेल्प मी? क्या वो मेरा आदमी है? ये पता नहीं, पर नाम है शेंजन। पर शेंजन तो मारा गया था है? हमने उसके साथी को पकड़ लिया है, डोनाल्ड को। तो क्या करोगी अगर मैं कोई हेल्प ना करूं? सिक्योरिटी के लिहाज से हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन प्लान किया है, जिसमें आपका क्लब भी है। मेरी टीम इस जगह की तलाशी लेगी। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर हम सर्च नहीं करने दे तो तुम लोगों को हमें मारने का बहाना मिल जाएगा, है ना? क्या तुम्हें लगता है ऐसा करना सही है? अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं। पहला और दूसरा। चुप, अब हमारे पास रास्ता है। मास्टर, आपके इस मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का मकसद क्या था? ताकि यहां के लड़ाके अपनी और अपने देश की रक्षा कर सकें शेंजिन। तुम्हारा ही इंतजार था। इतने दिनों बाद भी यहां कुछ नहीं बदला। तुम्हें मारे बगैर बदलेगा भी नहीं। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। देखते हैं तुम्हारे बाप का जो हाल हुआ वही तुम्हारा होगा। इलेक्ट्रिक शॉक ने तुझे पागल कर दिया है।
आपने वादा किया था इसे छोड़ देंगे। कैप्टन एंजेला, तुम्हें पता है कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उसे हम हरगिज जिंदा नहीं छोड़ते। देखो उसे। और तुम दुश्मन से दिल लगाकर गद्दारी की, और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत। ホウセイもお前の妹サイシさんもだ。はい、マザーや。चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा है। रुक जाओ, सब यहां से निकल जाओ, इसे मैं मारूंगा। इमोशनल होना वीकनेस की निशानी है शेंजिन। मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो आ जा।
तेरी मौत तय है। अब क्या, आ जा। हम वापस अपने घर जाएंगे, हम यहां मरने वाले नहीं। अपने देश के लिए लड़ूंगा। इसी तरह हम और हमारे देश के गुप्त क्रांतिकारी आपस में मिल जाएं, तो हम दुश्मन के छक्के चुरा सकते हैं। लोगों को बचा क्यों नहीं रहे हो? हम हार गए हैं कॉमरेड, सब भूल जाओ। अपनी और अपने देश की रक्षा कर सके शेंजेन, अगर तुम्हारा नाम सच में शेंजेन है तो तुम्हें उठना होगा, उठना होगा। This movie encoded by Dret Holmes. Thank you.
वेलकम जनरल। मैडम, जनरल चिकारा की मौत ने जापान को बैकफुट पर ला दिया था। चिकियानी कैप्टन एंजेला को शेंजन ने बचा लिया था, पर उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। शेंजन आज भी सुपर हीरो बना अपने देश को आजाद करने की जंग लड़ रहा था। This movie encoded by Dret Holmes.